जापान के सम्राट यमातो का एक मंत्री था ओचोसान। उसका परिवार आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। उसके परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे, पर उनके बीच एकता का अटूट संबंध स्थापित था। सभी सदस्य साथ रहते और साथ ही खाना खाते थे। उनमें कभी भी झगड़े की बात नहीं सुनी गई थी। ओचोसान के परिवार के आपसी प्रेम की कहानी सम्राट यमातो के कानों तक भी पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा परिवार है, कभी तो खटापटी हुई होगी। इस बात की जांच के लिए एक दिन वे स्वयं उस वृद्ध मंत्री के घर पहुंचे। स्वागत सत्कार और शिष्टाचार की साधारण रस्में समाप्त हो जाने पर उन्होंने पूछा, महाशय, मैंने आपके परिवार की एकता और सौहार्द की कई कहानियां सुनी हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि 1000 से भी अधिक व्यक्तियों वाले आपके परिवार में यह स्नेह संबंध कैसे बना हुआ है? ओचोसान वृद्धावस्था के कारण अधिक देर तक बातें नहीं कर सकता था, सो उसने अपने एक पोते को संकेत से कलम दवात और कागज लाने के लिए कहा। उन चीजों के आ जाने पर उसने अपने कांपते हुए हाथों से लगभग 100 शब्द लिखकर कागज सम्राट की ओर बढ़ा दिया। सम्राट ने उत्सुकतावश कागज पर नजर डाली तो चकित रह गए। कागज में एक ही शब्द को 100 बार लिखा गया था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सम्राट को चकित और अवाक देखकर ओचोसान ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरे परिवार की एकता का रहस्य बस इसी एक शब्द में नहीं थे, सहनशीलता। सहनशीलता का यह महामंत्र ही हमारे बीच एकता का धागा अब तक पिरोए हुए है। इस महामंत्र को जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे पारिवारिक कलह का मुख्य कारण भी परिवार के सदस्यों के बीच सहनशीलता का ना होना है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम तुरंत ही पलट कर उसे जवाब दे देते हैं। हम अपनी बुराई का एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पलट कर जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुक कर ये भी नहीं सोचते कि आखिर सामने वाले ने ऐसा कहा क्यों है। क्या उसकी कोई मजबूरी थी या वह किसी परेशानी में है। जब हम परिस्थिति और सामने वाले के नज़रिए को समझे बिना ही उससे तूतू मैं शुरू कर देते हैं, तभी परिवार में आपसी मनमुटाव की शुरुआत होती है। इस कहानी में मंत्री ओचोसान जिस सहनशीलता शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उसका मतलब है उस समय शांत रहना जब सामने वाला उत्तेजित हो। जब परिवार का एक सदस्य गुस्से में हो लेकिन दूसरा सदस्य शांत रहे या फिर कुछ समय के लिए उस जगह से चला जाए, तो लड़ाई कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। सहनशीलता का शाब्दिक अर्थ है शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना, यानी कि विपरीत परिस्थिति और अपने खिलाफ बोले गए शब्दों को सहन करने की क्षमता होना। अगर आप में इतनी सहनशीलता है कि आप परिवार के सदस्यों की पूरी बात अंत तक सुन सकें, तो परिवार में आपसी कलह की संभावना कई गुना तक कम हो जाती है, क्योंकि हर कोई बस यही चाहता है कि उसकी बात भी सुनी जाए। लेकिन हम ज़्यादातर मौक़ों पर सामने वाले की बात काट कर अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, जो कि परिवार में लड़ाई और बहस के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम किसी की बात को पूरा सुने बिना ही उसे बीच में रोक देते हैं, तो उसे लगता है कि उसे और उसकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है, और फिर ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति का अहम, उसका ईगो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए परिवार में शांति लाने का सबसे पहला तरीका है कि परिवार के सभी सदस्यों की बात और उनके नज़रिए को समझा जाए और उन्हें महत्व दिया जाए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।